सागर जी जाम ब्लॉक प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी अबोहर से उनके साथ नीरज मेहरा आज के दिन की शुरुआत करेंगे दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि लाइन अप हो जाएं विकेट पे अगर जी जाम की बात की जाए तो ब्लॉक प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी से भगवती क्रिकेट क्लब अबोहर प्रेजेंट प्रजेंट है बिग बैश टी ट्वेंटी लीग पहला सीजन स्क्वायर क्रिकेट ग्राउंड अबोहर से सुबह का मौसम गुड मॉर्निंग नमस्ते सभी को स्वागत है इस मुकाबले में अम्बेडकर किंग्स वार्षिज आलमगढ़ टाइगर्स के मध्य ये मुकाबला अम्बेडकर किंग्स ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और सभी को हैप्पी दिवाली बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की यूं ही खुशियां आती रहे आपके जीवन में उमंग हर्षोल्लास के साथ फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए अंबेडकर किंग्स के कप्तान गैरी ने आज टॉस जीता पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया इस मुकाबले में आज के दिन की शुरुआत करने के लिए हमारे जाम जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, है आम आदमी पार्टी अब से उनके साथ नीरज मेहरा बीच विकेट पे दोनों टीम में लाइनअप होती हुई दोनों अनुभवी अंपायर प्रदीप और सुभाष कुमार सागर जी जाम की अगर बात की जाए तो क्रिकेट में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं वो चाहे एस पी एल लीग में की बात की जाए फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ उस टूर्नामेंट में क्रिकेट को लेके काफी लोग प्रिय भी हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं प्लेयरों को कल भी अगर देखा जाए तो दोनों मुकाबले पे नज़रें गड़ाई हुई थी पूरे दिन ग्राउंड में थे वो और ये अच्छी संकेत है ये युवाओं के लिए जी हाँ दोनों टीमों के प्लेयरों से यहां पर मिलते हुए सागर जी जाम मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के बेहतरीन व्यक्ति उनका जी आज के दिन की शुरुआत है हो चुकी है मगढ़ टाइगर्स और अम्बेडकर किंग्स के मध्य बिग बैश टी ट्वेंटी लीग का ये तीसरा मुकाबला कल अगर बात की जाए तो आलमगढ़ टाइगर्स बहुत बड़े मार्जन से हारा था वो मुकाबला भगवती ब्लास्टर से तिरानवे रनों से भगवती क्रिकेट क्लब प्रेजेंट बिग बैश टी ट्वेंटी लीग इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन दूसरे दिन का पहला मुकाबला आलमगढ़ टाइगर्स वर्सेस अम्बेडकर किंग्स के मध्य गेंदबाजी की कमान है सुरेश के हाथ में अम्बेडकर किंग्स के कप्तान गैरी ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया इस मुकाबले में पहली गेंद पैड लाइन पे खिलाईयों के सारे घुमा दिया उसे डीपले के क्षेत्र में लंबी चेज फील्डर के लिए अच्छी फील्डिंग वहां डीप में निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए दो रन बचाए यहां अकाउंट ओपन हुआ यहां पे आलमगढ़ टाइगर्स का और रिंकू का पहली गेंद पे स्कोर है दो बिना किसी नुकसान है बार हाल के हाथों से दिशा दिखाई उसे पॉइंट के क्षेत्र में फिल्टर थे वहां स्कोर है दो बिना किसी नुकसान है और इस बारहल के हाथों से खेला संदीप और रिंकू की जोड़ी बीच मैदान में, में आलमगढ़ टाइगर्स के लिए अम्बेडकर किंग्स की अगर बात की जाए कल जो मुकाबला हुआ था दो सौ बारह रन बनाए थे एस पी सिंह ने एक बेहतरीन सेंचुरी और उसके बाद भी वो रन बचाने में नाकामयाब रहे उनके गेंदबाज और इस बार देखना होगा बैट से है बैट से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए जी हाँ भीतरी किनारा तो यहां पे ज्यादा कुछ समझ नहीं सके बल्लेबाज है सात है बिना किसी नुकसान है पहले ओवर की शुरुआत है हो चुकी है चार गेंदे डाल चुके हैं सुरेश है। कमेंट्री बॉक्स एंड इनसे गेंदबाजी करते हुए और इस बार वहां पे फील्डर से थोड़ी सी गलती हुई अतिरिक्त उछालता कलाइयों के सारे उन साइड की तरफ खेलना चाहते थे ऊपरी किनारा लगा मगर युवा फील्डर है उनकी इस एफर्ट की सराहना करनी होगी और बिना किसी नुकसान है फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए एसपी सिंह अब जाते हुए की पोजीशन पे सर्किल में सुभाष कुमार और प्रदीप शर्मा दोनों अनुभवी अंपायर बीच मैदान में, में और इस बार बल्ले का फेस कोला दिशा दिखाई उसे थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर है वहां और परिवर्तित करेंगे दोनों ही बल्लेबाज अवर की होती हुई समाप्ति पहले अवर की समाप्ति के बाद और नो बिना किसी नुकसान इस बार किनारा और यहां पे डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज ये चर्चाएं चलती हुई यहां िस बिना किसी नुकसान बारह हल्के हाथों से खेला उसे और काफी आगे निकल चुके थे यहाँ पे अच्छा थ्रो एसपी सिंह का बाल बाल बचे ये बिल्कुल स्टंप के पास से निकलती हुई थोड़ी सी हड़बड़ाहट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बस बार फैडलाइट पे गेंद डाउन साइड की तरफ घुमाया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर है वहां सिंगल पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज इस बार खूबसूरत शॉट है बॉलर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए कमाल का शॉट यहाँ जैसे और गेंद मिली सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से और सेफ जोन भी रहता है अमूमन इस ये जो एरिया होता है बॉलर के सर के ऊपर से अगर वहां पे पावर प्ले का रेस्ट्रिक्शन ना हो तो और लॉन्ग ऑन दोनों काफी दूर खड़े होते हैं तो कमाल का शॉट है सबसे अच्छी बात यह है कि जब किसी मध्यम तेज गति की गेंदबाज हो चाहे तेज गति का गेंदबाज के आप अगर चल के बॉलर के सर के ऊपर से शॉट्स खेलते हैं तो निश्चित तो रूप से बहुत गुस्सा आता है उसको स्कोर अड़तालीस बिना किसी नुकसान है पहले विकेट की दरकार अभी भी और इस बार घुमा दिया है उसे लंबी चेज वहां पे फील्डर के लिए जी हाँ नहीं रोक पाएंगे गेंद मिड विकेट सी बारे के बाहर जाती हुई चार रन के लिए अवर की होती हुई समाप्ति खेलानी वाले पावर प्ले समाप्त तो हो चुका है छह ओवर की समाप्ति स्कोर बावन बिना किसी नुकसान अच्छी तेज तरार शुरुआत और सबसे खास बात यह है कि विकेट नहीं गिरा है अभी तक और इस बार भी अच्छा दो मिलेंगे यहां जा पहुंचा चौपन बिना किसी नुकसान ने इस बार चकवा खाए ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए वहां गेंदबाज की कमान संभालते हुए कॉमेंट्री बॉक्स एंड से और इस बार उछाल के खेला गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए और कमाल का शॉट यहां थोड़ा सा फील्ड में बदलाव होता हुआ और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चार नहीं छह मिलेंगे यहां जैसे ही ऑफ तम से बाहर हाथ खोलने का मौका मिला कम्बाल का शॉट वहां पे संदीप का नीचे रखने की कोशिश ही नहीं की उछाल के खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और अच्छे अर्जित किए अपने और अपनी टीम के खाते में बार का फेस कोला दिशा दिखाई उसे स्वीपर कवर के क्षेत्र में अरुण है वहां पे फील्डर को फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे सिंगल यहां भी मिलेगा बार बैक टू तो बॉलर डॉट गेंद के साथ आवर की होती हुई समाप्ति तावर की समाप्ति स्कोर छियासठ बिना किसी नुकसान स्कोर आठ-सठ बिना किसी नुकसान है। गेंदबाजी में गहरी स्ट्राइक पे संदीप। इस बार गलती नहीं कि यहाँ पे मुकेश बाहर रहे और फुर्ती देखी इनकी थोड़ा सा बाहर निकले थे उछाल कर खेलना चाहते थे वापस क्रीज में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी पहला विकेट कमाल की विकेट जाए मुकेश बाहर की हिलने तक का भी मौका नहीं था वापस संदीप के लिए कि वापस क्रीज में आ जाए वो पहला विकेट गिरता हुआ कह रही जो कि कप्तान है सफलता दिलाई अपनी टीम को दीप बाहर जाते हुए पहला विकेट मिलता हुआ एक अच्छी साझेदारी और अच्छी रनगति से रन बनाए हैं जैसी नंबर सात सौ छियासी सोहेल खान आ चुके हैं हाथ के बल्लेबाज सोहिल खान अगर देखा जाए तो मुकाबला था भगवती ब्लास्टर के लिए उस मुकाबले में वो दिन नहीं था सोहेल खान के लिए ज्यादा कुछ खास कर नहीं सके बोल्ड होकर बाहर गए और जब गेंदबाजी कर रहे थे तब भी थोड़े महंगे साबित हुए पचासी अन खर्चे वहां पर रिंकू और सोहेल खान दोनों ने आज है एक नया दिन है। तो जो कल है, वो मुकाबला उसको बहुत जल्दी भूलना होगा यहाँ पे आलमगढ़ टाइगर्स को और दूसरी तरफ अगर अंबेडकर किंग्स की बात की जाए तो उनके लिए भी दो सौ बारह है वो अच्छा टोटल खड़ा किया फिर खराब गेंदबाजी रही वाली ने चेज किया यहाँ पे बेहतरीन ड्राइव कारपेट के सारे कवर मौजूद है सिंगल के साथ खाता खुला सोहिल खान का स्कोर उनहत्तर एक विकेट के नुकसान पे संदीप आउट हुए हैं स्कोर है पिछहत्तर एक विकेट के नुकसान पे आठ दशमलव एक ओवर का खेल हुआ है सोहेल खान ने एक पर बल्लेबाजी कर रिंकू छब्बीस पे इस साइड की तरफ खेलना चाहते थे लगा साइड गई खुद गेंदबाज है के हाथ में रन का कोई मौका था नहीं वहां पे सोहेल खान के लिए इस बार अब हल्के हाथ उसे दिशा दिखाई उसे थर्ड मैन की पोजिशन में स्कोर छिहत्तर एक विकेट के नुकसान पे नवा ओवर चलता हुआ मौजूदा तो अगर गति की बात की जाए तो नौ के करीब दशमलव नौ चार और यहाँ पे मौका जरूर बना था एसपी सिंह के लिए इस प्रकार के कैचे जो अमूमन पकड़ते हैं वो जी हाँ ये मौका जरूर अगवाया यहाँ सिंह अच्छे फील्डर कल तो भी उनसे एक एक कैच और इस छक्के साथ जा पहुंचा रिया से एक विकेट के नुकसान पर सोहेल खान ने बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पर बैकवुड पे गए कट किया पर मौजूद है सिंगल यहां भी मिलेगा की होती हुई हो समाप्ति नौ के बाद चौरासी एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में गहरी और इस बार उसम से बाहर थी लपेटना चाहते सोहेल खान वगैरह कोहली वाइड का इशारा एक रन का और इजाफा स्कोर पचासी एक विकेट के नुकसान पे पिछले ओवर में एक मौका जरूर बना था एसपी सिंह के लिए बुना नहीं पाए उसे और कल भी अगर देखा जाए तो साधारण सी फील्डिंग रही है जग्र है ग्राउंड फील्डिंग की बात की जाए अम्बेडकर किंग्स की तो कुछ जरूर सुधार किया है कुछ विचार विमर्श किया है क्योंकि तो बहुत ही क्रूशल मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए चुकल रहे दोनों मुकाबले हुए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 200 से ऊपर बनाए मगर पहले मुकाबले में तो 200 सौ तो बारह चेंज कर दिए थे वहाँ तो किंग्स इलेवन वाली ने बल्लेबाजी प्रवीण की सेंचुरी पूरी की और जो एसपी सिंह का शतक था उस पर पानी फेर दिया अंबेडकर किंग्स के कप्तान ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस बार सीधे बल्ले से देख ग्राउंड यहाँ पे साइड स्क्रीन के ऊपर छह रन के लिए आज सोहेल खान रंग में नजर आते हुए स्कोर तरान में जा पहुंचा एक विकेट के नुकसान पे खान पहुंचे सोलह पे दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ और इस बार उट है सत्तानवे ऐसा लग रहा है कि सोहेल खान ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए हैं जो कहीं ना कहीं कल कुछ खास नहीं कर सके थे भगवती ब्लास्ट के अगेंस्ट है वो सारा गुस्सा आज बैठकर किंग्स पे क्योंकि तो कल बड़ा एक मुकाबला था भगवती के गेस्ट तिरानवे रन से हारे आलमगढ़ टाइगर्स हालांकि नवदीप ने जरूर उस मुकाबले में संघर्ष किया था पचास की अपनी टीम के लिए उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कोई साथ नहीं दिया वहां पे नवदीप का आज जब स्थिति नहीं है यहाँ स्लैश करना चाहते थे सीधा फील्डर के हाथ में सोहिल खान बाहर जाना पड़ेगा और ये सेलिब्रेशन गैरी का जानते हैं कि कितना बड़ा विकेट है ये सोहेल खान का और लवली का बेहतरीन कैच है ये कैच और ये विकेट दोबारा एक बार फिर से रिप्ले में बल्लेबाजी में अब पटवारी आ चुके हैं सुभाष आचार्य उर्फ पटवारी विस्फोटक बल्लेबाज आते ही पावरफुल शॉट अगर अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन पे सुरेश कुमार की ओवर की होती हुई हो समाप्ति दस के बाद अट्ठानवे दो विकेट के नुकसान पे स्कोर 101 सौ एक सो पूरे हो चुके हैं यहाँ पे आलमगढ़ टाइगर्स के 101 सौ एक दो विकेट के नुकसान पे दस दशमलव तीन ओवर का खेल हुआ है गेंदबाजी में एसपी सिंह और इस बार है चिप कर दिया है उसे वन बाउंस फील्डर अरुण के पास सिंगल मिलेगा आसानी से रिंकू को और 102 दो विकेट के नुकसान पे ग्यार ओवर चलता हुआ रनटर रन रेट की बात की जाए तो 9.5 6 है प्रोजेक्टेड स्कोर है अगर इस रन गति से रन बनाते हैं तो 191 और ये कमाल का शॉट है बैक लिफ्ट देखिए क्या पावर जनरेट किया यहाँ पे पटवारी ने खड़े खड़े लेंथ पिक किया बेहतरीन शॉट यहाँ पे दर्शक दीर्घा में छह मिले हां माल का शॉट ये और ज्यादा कोई फुटवर्क नजर आया नहीं बस है, खड़े खड़े जो पावर जनरेट बैक बैकलिफ्ट देके कितने हाई लेंथ को पिक किया और घुमा दिया उसे काफी दूर जाके गिरी वो और यहाँ पे पहला रन पूरा किया दूसरे के लिए ये देखिए रनिंग कमाल की रनिंग और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे नाराजगी जाहिर करते हुए एस पी सिंह जानते थे कि ओ होना नहीं चाहिए था क्योंकि बैकअप था नहीं मिड विकेट का फिल्डर भी सीमा रेखा पे ऑन भी सीमा रेखा पे ओवर की होती हुई समाप्ति ग्यारह के बाद एक सौ दस दो विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी में परिवर्तन अब अरुण सिलान आए हैं उनके सामने रिंकू तीस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं उनतीस गेंदों में सुभाष आचार्य पटवारी बेहतरीन छक्का क्या पावर जनरेट की वो थोड़ा सा विचित्र शॉट था और आते ही अरुण ने चलता किया रिंकू को अक्रॉस द लाइन जाके खेलना चाहते थे पूरी तरीके से चूके गेंद स्टंप्स में जा लगी और सेट बल्लेबाज रिंकू को चलता किया ये परिवर्तन रंग लेके आया यहाँ पे गैरी का कप्तान घेरी परिवर्तन के तौर पे अरुण को लेके आया आती अपनी टीम को पहली गेंद पे अगर सफलता दिला दे तो फिर जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदल जाता है उस पूरे मुकाबले में और बड़ा विकेट रिंकू जो सेट है बाहर जाते हुए तीसरा झटका लगता हुआ स्कोर एक सौ दस दीप शर्मा और सुभाष कुमार दोनों अनुभवी अंपायर बीच में दान में साथी स्कोरर समीर कॉमेंट्री बॉक्स मैं डी आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार फिर से इस मुकाबले में और जो भी दर्शक है ग्राउंड पे हैं जो भी इस लाइव सेवन स्पोर्ट्स के माध्यम से इस मुकाबले को देख रहे हैं सभी को हैप्पी दिवाली अब जर्सी नंबर है ट्रिपल वन नवदीप आ चुके कप्तान जो कल मुकाबला हुआ था भगवती के गेस्ट शानदार बल्लेबाजी पचास की अपनी टीम के लिए अकेले लड़ते रहे तिरानवे रन से भगवती ने वो मुकाबला जीता एक समय ऐसा लग रहा था जब और प्ले में चालीस के आसपास रन थे तीन विकेट गिर चुके थे भगवती के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भैराराम गेदर और राहुल बाहर जा चुके थे उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी रही विजय की और उसके साथ कक्कड़ की और एक साझेदारी बहुत ही बढ़िया जो इस मुकाबले में एक प्लेटफॉर्म सेट किया और अंतिम क्षणों में तो क्या लाजवाब बल्लेबाजी थी वहां पे गौरव वर्मा और मैसी फर्गिसन की और दो चक्के तो बहुत लंबे लगाए वहां पे मैसी ने कल पूरे दिन दिवाली पे आतिशबाजियां देखने को मिली थी पहले एसपी सिंह ने स्टार्ट किया जो दिन का मुकाबला था ने कुछ है, अच्छी बल्लेबाजी की उसके बाद फिनिशिंग टच क्रिस्पी ने बेहतरीन छक्के अंतिम में और उसके बाद किंग्स इलेवन सहदा वाले की तरफ से एक प्रवीण नाम का तूफान आया और शानदार बल्लेबाजी सतपाल के मुकाबले को फिनिश किया गेंद से ऐसे रहते हुए दो सौ बारह किए बड़ा टोटल चेज हुआ वहां और एक सौ तेरह तीन विकेट के नुकसान पे इस साझेदारी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा आलमगढ़ टाइगर्स का स्कोर कार्ड कि कितने रन बना पाएंगे वो मौजूदा अगर गति की बात की जाए तो साढ़े नौ रन प्रति ओवर के हिसाब से बना रहे हैं तो एक सौ चौरानवे प्रोजेक्टेड स्कोर है बीच वाइट का इशारा एक्स्ट्रा उछाल मिला यहाँ पे यार उनको लेकिन फिर रिंकू को चलता किया हौसला उनका सातवें आसमान पे है इस बार गति परिवर्तन ने इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं लॉन्ग ऑफ पे आ जाए और एक सौ पंद्रह तीन विकेट के नुकसान पे और अरुण की अगर बात की जाए तो कल बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पचास किए थे थी, अपनी टीम अम्बेडकर किंग्स के लिए तो बड़ा योगदान था एक अच्छी साझेदारी हुई सौ से ऊपर रनों की एच पी सिंह और अरुण के मध्य फिलहाल ओवर की होती है हो, समाप्ति बारह के, के बाद एक सौ सोलह तीन विकेट के नुकसान पे अठारह के बाद एक सौ तीन विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में आसपी सिंह एक बार फिर से इस बार है गति परिवर्तन है उस देर हवा में जरूर रही मगर फील्डर से आगे डीप मिड विकेट पे अरुण सिलान ने खड़े हुए लॉन्ग ऑन पे सुरेश कुमार लॉन्ग ऑफ पे अजय डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पे इसके अलावा एक फील्डर स्वीपर कवर पे थर्ड मैन पॉइंट और एक और बेहतरीन शॉट यहाँ पे पटवारी के बल्ले से दूसरा छक्का उसी जोन में जाके गिरा ऐसा लगा कि पिछले शॉट की पुनरावर्ती थी जो एक छक्का उन्होंने लगाया क्योंकि तो वो छक्का भी एसपी सिंह के पिछले ओवर में आया था यहाँ भी एक कमाल का छक्का और एक सौ चौबीस तीन विकेट के नुकसान पे और यहां पे गैप कम माल का शॉट नजाकत भरा गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए कोई मौका था नहीं वहां पे गिली के लिए अगर गिली जैसे फील्डर को गेंद अगर बीट कर जाए तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शॉट था वो गैप में क्योंकि तो बेहतरीन फील्डर है पे। इस बार उछाला जरूर है देखना होगा कितना दूर गया यहां पे मगर ये अवसर था गवाया उसे अरुण ने यहाँ एस पी सिंह की अगर बात की जाए तो थोड़े से अग्रेसिव प्लेयर और गेंदबाज ये कतई पसंद नहीं करेगा कि इस तरीके का कैच छूटे स्कोर एक सौ उनतीस से यहाँ पे एक विकेट मिल सकता था इस बार ऊपर गई है गेंद नीचे वहां पे सुरेश इस बार भी मौका था छ मिलेंगे यहां अगर फील्डिंग की बात की जाए तो कल भी करने होंगे तेरे अबर की समाप्ति स्कोर एक सौ पैंतीस दस से ऊपर प्रोजेक्टेड स्कोर अब दो सौ से ऊपर क्या इस मुकाबले में भी दो सौ रन दिखेंगे स्कोर कार्ड पे अभी तक दोनों मुकाबलों की अगर बात की जाए तो दो सौ बारह 213 चेज हुए उसके बाद 224 वहां पे 93 रन से जरूर जीते थे 13 ओवर की समाप्ति स्कोर 135 तीन विकेट के नुकसान पे संदीप ने 47 किए 23 गेंदों में रिंकू ने 30 किए 30 गेंदों में बटवारी 26 पर बल्लेबाजी करें 10 गेंदों में नवदीप कप्तान अभी अभी क्रीज पे आए नौ के योग पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं जी में अरुण सिलान पहले में सफलता मिल चुकी है रिंकू को बोल्ड किया स्ट्राइक पे नवदीप और इस बार घुमा दिया उसे डिप्स एलेक्सी वेखा की तरफ कोई फील्डर है नहीं वहां गैप ढूंढा चार रन मिले कि देखा जाए तो डीपस तो की जो पोजीशन है वहां पे तो फील्डर थोड़ा वाइड जरूर है मौका मिला यहाँ गैप तलाशा चार के साथ से शुरुआत किया अरुण की स्कोर जा पहुंचा एक सौ उनचालीस दिवाली का दिन आबाद स्क्वायर क्रिकेट ग्राउंड है आज के दिन का पहला मुकाबला हल्की क्रिकेट धूप है क्रिकेट के लिए बिल्कुल अनुकूल मौसम और कल छोटी दिवाली थी उस पर बड़ी बड़ी आतिशबाजियां हुई पूरे दिन दोनों मुकाबलों में काफी गगजों भी छक्के देखने को मिले और यहाँ दिन में भी आतिशबाजियां चल रही है अब आलमगढ़ टाइगर्स के लिए और ये अच्छा थ्रो डायरेक्ट हिट है मगर सुरक्षित पहुंच चुके थे दोनों ही बल्लेबाज कमाल की रनिंग बिटवीन विकेट। साझेदारी की अगर बात की जाए तो इकतीस रनों की हो चुकी है तेरह गेंदों में कंट्रीब्यूशन अगर है देखा जाए दोनों बल्लेबाजों का साझेदारी में तो फिफ्टी फिफ्टी बहुत अहम साझेदारी है चौथे विकेट के लिए कि अगर इस ऑफर की अगर बात देखा जाए तो और बाकी तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड स्कोर जा पहुंचा है दो सौ से 215 बनाते हैं तो अच्छा टोटल होगा आप शुरुआत में विकेट चटकाते हैं तो इतना मुश्किल रहता नहीं रन चेंज करना क्योंकि तो कल जो 212 चेज किए थे किंग्स इलेवन शहदावाले वहां पर ताबड़ शुरुआत हुई थी ओपनिंग पार्टनरशिप की एक प्लेटफॉर्म एक नींव रखी थी उसके बाद रन चेंज हुए थे गेंद बसते हुए अगर उस मुकाबले में अम्बेडकर किंग्स के फील्डरों ने साथ दिया होता तो जरूर उस मुकाबले की तस्वीर कुछ और होती इन जरूर बदला है मगर फील्डिंग आज भी खराब रही है मैचेज गवाए हैं एक्स्ट्रा कवर पे एस पी सिंह के हाथ से पहले कैच छूटा उसके बाद है और इस बार है स्लैश कर दिया लंबी चेज वहां पे नहीं रोक पाएंगे फील्डर के लिए कोई मौका नहीं कन्नू थे वहां बस देखते रह गए बाहर से लेके पड़ी गेंद चार रन के लिए जा पहुंचा एक सौ पैंतालीस तीन विकेट के नुकसान पे नवदीप जा पहुंचे इस चौके के साथ उन्नीस के योग पे उसके बाद एक आसान सा सिलान के पास मिड विकेट पे फिर लोंगौन पे एक कैच छोड़ा तो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरीके के कैचेज पकड़ने होंगे खासतौर तो से अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रोशल मुकाबला ये क्योंकि दोनों टीमें पिछला मुकाबला हार के इस मुकाबले में उतरे हैं तो बैकवर्ड पे गए किया वहां स्वीपर कवर मौजूद है थोड़ा सा फंबल हुआ पहला रन पूरा किया दूसरा भी करेंगे ये देखे कमाल के एथलीट दोनों ही प्लेयर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जा पहुंचा एक सौ नए के सारे ओन साइड की तरफ दिशा दिखाई उसे डिप्स क्वेलेक्स सीमा रेखा पे सिंगल के साथ आवर की होती हुई समाप्ति चौदह आवर की समाप्ति के बाद स्कोर एक सौ अड़तालीस से तीन विकेट के नुकसान पे दावर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर 148 3 विकेट के नुकसान पे गेंदबाज में आ जाए वापस गेंदबाजी की कमान पे गेंद प्लेयर से टकराई है जोरदार अपील मगर अंपायर सुभाष ने उसे नकारा जियालेग भाई का इशारा सिंगल पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने तीन विकेट के नुकसान पे पंद्रह ओवर चलता हुआ और इस बार खड़े खड़े घुमा दिया लंबी चेज सुरेश के लिए नहीं रोक पाएंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए देखिए बैकफुट का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं पटवारी जर्सी नंबर जीरो सेवन जी हाँ ये जर्सी बहुत बड़ा चेहरा भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी इस बार थोड़ा वाइड खेला एस पी सिंह को मशक्कत करनी पड़ेगी कमाल के फील्डर है वो एक रन से संतोष करना पड़ेगा पचास रन पूरे हो चुके हैं स्कोर एक सौ चौपन विकेट के नुकसान पर चौदह दशमलव तीन ओवर का खेल हुआ है यहां पे अंपायर के इशारे के प्रतीक्षा वाइड और गेंद सीमा रेखा के बाहर है चार रन के लिए दिशाहीन गेंद यहां पे विकेट की बाहर को हुई के बाहर तो बिना किसी गेंद रन मिले यहां पे लाइन और लेंथ को लेके थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा गेंदबाजों को क्योंकि स्कोर कार्ड पे एक सौ उनसठ रन लग चुके हैं और इसके बाद भी पांच ओवर से यहाँ पे गेंदबाज की गति का यूज किया घुमाया उसे शॉर्ट फाइन ले के क्षेत्र में फील्डर थे वहां जितारी पचास रनों की हो चुकी है इक्कीस गेंदों में इन दोनों बल्लेबाजों के मध्य और एक सौ साठ तीन विकेट के नुकसान पे पंद्रवा ओवर चलता हुआ इस ओवर के अगर बात देखा जाए तो पांच ओवर और बाकी और अगर तीस गेंदों में पचास से साठ रन बनते हैं ज्यादा मुश्किल होगा ना इस विकेट पे बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी यहाँ पे पुल करना चाहते थे पूरी तरीके से चूके विकेट कीपर के दस्तानों में। जो मैं जिक्र कर रहा था कि इसके बाद पांच और बाकी अगर तीस से पचास या साठ रन और बनते हैं तो निश्चित रूप से दो सौ पंद्रह दो सौ बीस यहां से आसानी से नजर आते हुए डॉट गेंद है ओवर की होती हुई समाप्ति पंद्रह के बाद एक सौ साठ तीन विकेट के नुकसान पे की समाप्ति स्कोर एक सौ तो साठ तीन विकेट के नुकसान पे सुरेश सब गेंदबाज की जिम्मेदारी संभालेंगे एक बार फिर से वापस उनको मोर्चे पे लेके आए कप्तान गहरी विकेट चाहिए यहाँ एक दो तो विकेट चाहिए अब देखना ये होगा कि डेथ में किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे जो पांच ओवर में बीस से चालीस रन तो आसानी से बन जाएंगे 200 तो, तो यहाँ पे ज्यादा मुश्किल होगा नहीं इंतजार किया बढ़िया शॉट है मगर उतनी अच्छी फील्डिंग इसकी अगर बात की जाए तो 26 रन खर्चे हैं अभी तक स्पेल का आखिरी ओवर डालते हुए सफलता कल भी उनको नहीं मिली आज भी नहीं मिली और इस बार टॉप एच लगा है। नीचे वहां पे जाते हुए मुकेश माहर ये कमाल का कैच क्या लाजवाब कैच पकड़ा है यहाँ मुकेश माहर ने चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट यहाँ पटवारी बाहर जाना पड़ेगा

और एक सौ बासठ चार विकेट के नुकसान पे इस बार इंतजार किया घुमाया उसे और वहां पे साधारण एफर्ट फील्डर का अगेंस्ट हमारे घर के बाहर जाती हुई चार रन के लिए थोड़ा सा मिस पे पे जो फ़िल्टर थे कि कैच के लिए जाए एक बाउंड्री सेव करें मगर गेंद उनको चकमा देती हुई सी बारेखा के बाहर चार रन और मिले चार के साथ स्कोर जा पहुंचा एक सौ छियासठ सोलवा ओवर चलता हुआ फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पे इसके अलावा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पे मिड विकेट का फील्डर सर्किल में एसपी सिंह खड़े हुए लॉन्ग ऑफ पे अरुण सिलान स्वीपर कवर पे कन्नू स्कोर 168 4 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर का खेल हुआ अभी तक रनगति की बात की जाए तो साढ़े दस रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए आलमगढ़ टाइगर्स के बल्लेबाज ऑब्जेक्टेड स्कोर दो सौ बारह अभी भी दो गेंदे बाकी इस ओवर में एक सौ चार विकेट के नुकसान पर सुरेश एक बार फिर और इस बार ऊपरी किनारा लगा इस कही तरह का कहीं ना कहीं हुआ है और पटकी हुई गेंद जी हन बाउंस का इशारा स्कोर एक सौ सड़सठ इस सिंगल के साथ है पलवान भर चलता हो इसके बाद भी चार ओवर और बाकी हां इस बार बहुत फाइन खेल दिया लंबी चेज वहां पे इसको एलेग के फाइल के फील्डर की नहीं रोक पाएगी गेंद सीमा रेखा के, सी के बाहर जाती हुई चार रन के लिए चार के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति 16 के बाद 171 चार विकेट के नुकसान पे ेंदवाजी में अजय वेलकम आखिरी ओवर हल्के हाथों से खेला बैक टू द बॉलर हम बगैर कमल की रनिंग छोट खेलते ही रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने सफलता मिली नहीं अजय को 24 रन खर्चे हैं और 172 रन 4 विकेट के नुकसान पे टेन पॉइंट सिक्स फोर प्रोजेक्टेड स्कोर टू हंड्रेडिया अगर इस बिग बैस टी ट्वेंटी लीग की बात की जाए तो तीसरा मुकाबला चलता हुआ और तीसरे मुकाबले में भी स्कोर कार्ड पे दो सौ रन लगते हुए नजर आ रहे हैं पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम के कल जो दोनों मुकाबले थे उसमें पहला मुकाबला था वहां पे बैठकर टाइगर्स ने दो सौ बारह बनाए और दो सौ तेरह चेंज किए वहां पे किंग्स इलेवन सहरा वाली ने के बाद भगवती ने दो सौ चौबीस बनाए वहां पे आलमगढ़ टाइगर्स बड़े मार्जन से वो मुकाबला हार के मुकाबले में उतरे हैं और इस बार फ्लैट शॉट सीधा साइड स्क्रीन पे छह मिलेंगे यहाँ प्लॉट में गेंदबाजी कर नहीं सकते आप जो सामने की बाउंड्री है वो अगर स्क्वायर बाउंड्री की तुलना में थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है तो अगर सीधे बल्ले से अच्छा होता है तो बहुत दूर जाती है इस बार घुमाया है उसे यहां भी चार मिलेंगे फाइन लेग पे फील्डर जरूर थे मगर थोड़ा फाइन गेंद टू बैक बाउंड्री आती हुई पहले छक्का उसके बाद चौका स्कोर एक 184 जा पहुंचा है और इस बार है उछाल खेला है फील्डर है वहां गेंद को फील्ड करेंगे सिंगल आसानी से मिल जाएगा ओवर की होती हो? समाप्ति सत्रह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर एक सौ पिचासी चार विकेट के नुकसान पर सत्रह ओवर की समाप्ति स्कोर एक सौ पिचासी नुकसान पे एस पी सिंह के हाथ में गेंदबाजी की कमान एक्सपेंसिव साबित हुए दो ओवर में इकतीस और उसका एक ये कारण है कि तो अवसर एसपी सिंह की गेंद पे मिले जरूर थे फील्डर को बुनहा नहीं पाए ना उनका जो विकेट का कॉलम खाली है वो खाली नहीं रहता क्योंकि अगर उन दोनों कैचेज की बात की जाए तो इतनी मुश्किल थे नहीं चाहे वो अरुण ने डीप मिड विकेट पे खड़े थे वहाँ पे उनके लिए एक आसान सा मौका लॉन्ग ऑन पे एक सुरेश ने कैच ड्रॉप किया वहाँ और इस बार फाइन खेला लंबी चेज वहाँ पे गिली के लिए नहीं रोक पाएंगे चकमा खाई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए अमूमन देखा गया है बाउंड्री लाइन पे आखिरी क्षणों तक गेंद पे अगर नजर गड़ाते हैं तो उसके बाद आप उसको फील्ड कर सकते हैं स्कोर एक सौ नब्बे हो चुका है अभी भी ये के बाकी और यहां पे एसपी सिंह ने चलता किया पांचवा विकेट गिरता हुआ बाहर जाना पड़ेगा यहाँ पे नवदीप को उछाल कर खेलना चाहते थे ऑन साइड में पूरी तरीके से चूके गेंद स्टंप्स में जा लगी और जो विकेट चाहिए था वो एसपी सिंह ने दिलाया यहाँ अगर तो नवदीप अपना काम कर चुके हैं वो तीस रन बनाकर बाहर जाते हुए आज भी अच्छी पारी खाली स्कोर है पांच विकेट के नुकसान पे देखा जाए तो अभी भी पंद्रह गेंदे बाकी तो निश्चित रूप से दो सौ दस रन आसानी से नजर आते हुए अपील यहाँ भी जोरदार अंपायर ने उंगली खड़ी की यहाँ पे प्रदीप शर्मा ने एक और विकेट मिलता हुआ बैक टू बैक सफल था सिंह को नवदीप को बॉल किया उसके बाद बिना खाता खोले काली को चलता किया एल पी डब्ल्यू के रूप में और एक सौ नब्बे छ विकेट के नुकसान पे सबर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पे सिंगल उसके बाद चौका तो पांच रन बने दो विकेट बैक टू बैक बीच पे नए वाले पंकज कंबोज जहां पहुंचे अब कले का स्थान लेने के लिए अच्छी शुरुआत हुई आज ओपनिंग साझेदारी के रूप में संदीप और रिंकू के मध्य एक नींव रखी उसके बाद छोटी और उपयोगी पारियां जो वो अगर तीस पैंतीस रन आप टी ट्वेंटी क्रिकेट के मैचेज में बनाते हैं तो एक अच्छा अच्छा स्कोर होता है बल्लेबाज का क्योंकि तो वहाँ पचास मायने नहीं रखते हैं वो तीस रन मैटर करते हैं कि आप है कितनी तेज़ गति से वो रन बनाते हैं और वही जो उपयोगी पारियां चाहे वो नवदीप की बात की जाए चाहे बटवारी की व्यापारियों तो के बदौलत स्कोर कार्ड पे एक सौ नब्बे से ऊपर रन लग चुके हैं अवर की समाप्ति होती हुई अट्ठारह के बाद एक सौ तिरानवे विकेट के नुकसान पे अठारह के बाद एक सौ तिरानवे विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी में गैरी। इस बार उछाला जरूर है टाइमिंग इतनी खास नहीं फील्डर है डीप मिड विकेट पे सुरेश सिंगल के साथ है छोर बदलेंगे दोनों ही बल्लेबाज गैरी की बात की जाए तो दो सफलता अपने नाम कर चुके हैं तीन दशमलव एक कवर तीस रन इस बार विकेटकीपर भी चकमा खाए गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए बाई का इशारा स्कोर है एक सौ अट्ठानवे छह विकेट के नुकसान पे बार उछाल खेलना चाहते थे पूरी तरीके से चुके विकेट कीपर गहरी के लिए बिल्कुल ऊपर स्टम्प से चिपके हुए मुकेश माहर तो क्योंकि इससे पहले एक मौका बना था दीप का तो शानदार स्टंपिंग वहां बैकवर्ड में गए इस बार कट किया स्वीपर कवर मौजूद पहला रन तेजी से पूरा किया दूसरे के लिए पलट रहे हैं पूरा भी करेंगे की रनिंग बिटवीन विकेट, और इन दो रनों के साथ दो सौ रन पूरे होते हुए अठारह दशमलव चार ओवर में अभी भी आठ गेंदे बाकी सिंगल यहां भी मिलेगा और है दो सौ एक छह विकेट के नुकसान पे अभी भी सात गेंदे बाकी बारह रन बनते हैं तो दो सौ दस से दो सौ बारह अच्छा टोटल होगा फिर ये निर्भर करेगा कि आप गेंदबाजी किस तरीके से करते हैं इस बार कुछ देर हवा में जरूर रही गेंद नोमैन स्लैंड में मिड तो विकेट है और लौंग दोनों फिल्डर सी का से बिल्कुल सटे हुए तो कैच का मौका था नहीं किसी भी फिल्डर के पास फिलहाल आवर की होती हुई समाप्ति 19 के बाद 202 सौ विकेट के नुकसान पे किंग्स इलेवन सैदा वाले के ऑनर बिट्टू सौखल है काफ़ी खुश नजर आते हुए पूरा एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को पहले उनकी टीम ने शानदार दो सौ बारह रन चेज किए थे क्या ऊपरी किनारा लगा बाहर जाना पड़ेगा एसपी को तीसरी सफलता मिलती हुई कपाल की गेंदबाजी जाते जाते अपने कॉलम में एक विकेट का और इजाफा किया एस पी सिंह ने तीसरी सफलता अपने नाम कर चुके हैं वो स्कोर है दो सौ दो सात विकेट के नुकसान पे बाहर जाना पड़ेगा पंकज कंबोज को पे नए बल्लेबाज राकेश आ चुके हैं स्कोर 202 सौ सात विकेट के नुकसान पे ऑन द राइज ड्राइव किया पर मौजूद है गिली वहां राकेश नए बल्लेबाज क्रीज पे अकाउंट ओपन करेंगे सिंगल के साथ एसपी की अगर बात की जाए तो तीन विकेट चटका चुके हैं उन्हें चालीस रन दिए अभी तक जो वो महंगा हुआ रहा था उसमें जरूर मौके बने थे तो गेंदबाजी आज उनकी तरफ से बड़ी अच्छी हुई है और इस बार टॉप लगा नीचे मुकेश आज की कोई चूक नहीं होगी एक और कैच पकड़ा कमाल की विकेट कीपिंग आज विकेट के पीछे आठवां विकेट गिरता हुआ दो सौ चार रन स्कोर कार्ड पे और ये कम्बाल कावर एसपी सिंह का चौथी सफलता अपने नाम करते हुए ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है एसपी सिंह कल सैकड़ा लगाया विकेट भी अपने नाम किए दो विकेट चटकाए आज चार सफलता अपने नाम कर चुके हैं माल का वेरिएशन उनकी गेंदबाजी में और दो सौ चार आठ विकेट गिर चुके हैं अभी भी दो गेंदे बाकी गोकल आ चुके हैं अभी इनके स्थान पर रिप्लेसमेंट गोकल आज आते घुमाया है सिंगल मिल जाएगा लॉन्ग ऑन पे आ जाए एसपी सिंह की अगर इस सवर की बात की जाए तो मात्र तीन रन दिए दो विकेट चटका चुके हैं वो जो पिछला ओवर किया था उसमें भी उनको दो सफलताएं मिली थी हालांकि जब वो स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे थे उस में मौके बने थे दो वो बुना नहीं पाए और विकेट पे यहां पे रुपए और ये प्राप्त करते हुए एसपी सिंह पंजा यहां पे कमाल की गेंदबाजी एसपी सिंह के इस आखिरी विकेट पे सौ का इनाम जो घोषणा की है उनका नाम है दीपक की तरफ से तो एस पी सिंह का सौ रुपए का प्राइज यहाँ पे इस विकेट पे और कमाल की गेंदबाजी पंजा पूरा करते हुए इनिंग की समाप्ति हो चुकी है निर्धारित बीस ओवर में दो सौ पांच रन नौ विकेट के नुकसान पे अब जीत के लिए 206 रन बनाने हैं यहाँ पे कर किंग्स को कमाल का ये आखिरी ओवर तीन सफलताएं अपने नाम की तीन रन देकर और जो आखिरी विकेट पे दीपक की तरफ से जो सौ का पुरस्कार था एसपी सिंह के लिए एसपी सिंह कमेंट्री बॉक्स में आ जाए कमाल की गेंदबाजी एसपी सिंह की पंजा पूरा किया दीपक की तरफ से उनको नगद प्राइज माल की गेंदबाजी एस पी सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम दीपक की तरफ से उनको सौ रुपए का नगद प्राइज जैसे उन्होंने घोषणा की आखिरी गेंद पे विकेट चटकाया पांच विकेट काफी खुश नजर आते हुए आज तो सूरत हाल ये इस मुकाबले की है कि टॉस जीता बैठकर किंग्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया आलमगढ़ टाइगर्स ने बनाए दो सौ नौ विकेट के नुकसान पे अब दो सौ रन बनाने निर्धारित बीस ओवर में दो सौ हैं बनाने है मुकाबला जीतने के लिए इनिंग ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं तब तक आपको ले चलते हैं सेवन स्पॉट स्टूडियो दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है स्कोर 7 बिना किसी नुकसान है डायरेक्ट हिट पर लगा वहां जोरदार अपील हुई फिक्री भी मुकाबला वो मामला था और इस बार अपिश्केला उसे पॉइंट के ऊपर से एकदम रस्सी बारेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए मैन इन फॉर्म है एसपी सिंह चार के साथ खाता खोलते हुए तो छह रन बनाने ही मुकाबला जीतने के लिए अम्बेडकर किंग्स को आज जब टॉस जीता कह रहे पे एसपी सिंह ने नाम किया चटकाए कमाल की गेंदबाजी डेक में समय ऐसा लग रहा था कि सौ पंद्रह दो सौ बीस आसानी तो से बन जाएंगे बाकी नजर आया कपाल की गेंदबाजी डेथ में की बात की जाए एसपी सिंह की और एक बार फिर से खूबसूरत शॉट कोई तो मौका नहीं वहां पे पॉइंट के ऊपर से छह यहां भी मिलेंगे स्ट्रॉन्ग जोन है स्पिन की अगर बात की जाए तो यह कमाल के प्लेयर और इनफॉर्म बल्लेबाज पिछले मुकाबले में सो करके आए हैं और आज तो में पांच विकेट अपने नाम है उनके सामने तो इस तरीके की गेंदबाजी करना सत्रह रन बिना नुकसान है शुरुआत है बदलाव होता हुआ स्वीपर कवर सीमा रेखा पे अट्ठारह बिना किसी नुकसान मुकेश माहर और एस पी सिंह की जोड़ी बीच मैदान में एसपी सिंह की बात की जाए तो पहले चौका उसके बाद छक्का और इस बार घुमा दिया उसे स्क्वायर लेग एलेक्सी रेखा की तरफ चार रन के लिए यहां पे मुकेश माहर इस बार पहले ओवर की समाप्ति बहुत ही महंगा ओवर ये बाईस रन आए इस ओवर में एसपी सिंह ग्यारह पे मुकेश बाहर नो पहले ओवर में बाईस रन बहुत महंगे साबित हुए नवदीप और अगर इस तरीके की ताबड़तोड़ शुरुआत हो जाए तो फिर जो ये 205 का जो टारगेट है वो ज्यादा बड़ा टारगेट रहने वाला है नहीं जी हाँ मंत्रणाएं चलती हुई ऐसा लग रहा है कि सोहेल खान गेंदबाजी के लिए बागडोर संभालेंगे स्पिन आक्रमण हम देख रहे आपको नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं और 22 बिना किसी नुकसान के जहां सोहिल खान के हाथ में गेंदबाजी की बागडोर संभाली अब कप्तान नवदीप ने पहलावर उनका महंगा 22 रन बिग बैशर टी20 लीग का दूसरा दिन तीसरा मुकाबला अब किंग्स और आलमगढ़ टाइगर्स के मध्य बैठकर किंग्स के कप्तान गैरी ने आज जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया निर्धारित बीस ओवर में दो रन बनाए दो विकेट के नुकसान पर आलमगढ़ टाइगर्स ने अच्छी बल्लेबाजी रही आज संदीप के रिंकू ने अच्छी पारी खेली एक और अंतिम क्षणों में उपयोगी पारी पटवारी और नवदीप की के सारे ऑन ड्राइव कर दिया उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर है वहां सिंगल के साथ छोर बदलेंगे एसपी सिंह एसपी सिंह की बात की जाए तो मैन इन फॉर्म पिछले मुकाबले में शो किए और यहाँ पे बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे पूरी तरीके से चुके खान ने चलता किया मुकेश माहर को ये खराब शॉट सिलेक्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार वापस रिप्ले में देखते हैं शॉट को और तेईस एक विकेट के नुकसान पे तो है खान की अगर बात की जाए तो काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है वो अमूमन विकेट छटकाते हैं वो बीच पे अब ऐसा लग रहा है कि अजय जा पहुंचे बाएं हाथ के बल्लेबाज और ये अच्छी रणनीति गहरे की क्योंकि दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जब मैदान पे होता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है फील्डिंग साइड को और मोमन ये जानते हैं कि बाएं हाथ का बल्लेबाज सामने बाएं हाथ के गेंदबाज खान थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा ये सोहेल खान उनके सामने आ जाए। और ये बढ़िया गेंद रन लेती हुई अंदर की तरफ आई चारों खाने चीती यहां इतना आसान रहने वाला है नहीं यहाँ पे सोहेल खान को खेलना कमाल का यहाँ पे ये अवर काफी दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहने वाला है इस बार निकाला पुश पुष्पर किया हल्के हाथों से शॉट एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर थे मगर रन चुरा लिया खाता खोला इस सिंगल के साथ अजय ने और अब स्ट्राइक पे एसपी पी सिंह देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे सुइल खान के सामने एस पी सिंह की बात की जाए तो मैन इन फॉर्म है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज उनके कंधों पे कारपेट के सारे ड्राइव किया बैक टू द बॉलर खान ने गेंद को फील्ड किया रन मिलेगा नहीं थोड़ी समझदारी दिखाते हुए और ये जरूरी भी है है क्योंकि एक विकेट के रूप में गिर चुका है। आप 200 से ऊपर रन चेज कर रहे हैं और इस बार स्लैश कर दिया थोड़ी देर हवा में जरूर रही पॉइंट और कवर के बीच में गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए चार के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति दो के बाद अट्ठाईस एक विकेट के नुकसान पे दो ओवर की समाप्ति स्कोर अट्ठाईस एक विकेट के नुकसान पे और इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे बैट का संपर्क हुआ नहीं गेंद बैट से टकरा के पास ही छिटकी रन का कोई अवसर था नहीं और एसपी सिंह की अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में सो किए विकेट भी चटकाए और जो मैन ऑफ सीरीज के हॉर्ड में है वो लगातार बने हुए हैं आज भी पांच विकेट चटका चुके हैं वो गेंदबाजी में और अगर आप गेंदबाजी में आपको जब पांच विकेट मिल जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बल्लेबाजी में झलकता है और रॉयल राजासी इलेवन अबोहर की तरफ से अगर एस पी सिंह इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ दी सीरीज रहते हैं तो बत्तीस इंच की एलईडी ईडी उनको गिफ्ट की जाएगी ये बहुत बड़ा प्राइज है एस सिंह के लिए अगर वो इस टूर्नामेंट में रहते हैं इसी बीच अक्रॉस द लाइन खेलने गए यहाँ पे अजय को चलता किया नवदीप ने दूसरा विकेट गिरता हुआ ये खराब शॉर्ट सिलेक्शन आ जाएगा क्योंकि इस प्रकार के शॉर्ट खेलने की कोई आवश्यकता थी नहीं ऑन साइड में खेलना चाहते थे पूरी तरीके से चूके और गेंद स्टम्प्स में जा लगी आपको पता है कि आपके साथी पार्टनर एसवीर सिंह इतनी अच्छी फॉर्म में है तो क्यों ना आप उनका साथ दें? देख रोटेट करें और वक्त ले सकते हैं क्योंकि स्कोर कार्ड पर अट्ठाईस रन बने हुए हैं विकेट बचाना था यहाँ पे गैर जिम्मेदार आना बलेबाजी अजय की और अट्ठाईस से दो विकेट के नुकसान पे किंग्स इलेवन सहदा वाले के ओनर बिट्टू काफी खुश नजर आते हुए इस मुकाबले पे नजरें गड़ाए हुए दो तो सौ बारह चेंज किए थे उन्होंने तो जब मुकाबले में उतरेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकेगा दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई क्रिकेट को एंजॉय करते हुए बेहतरीन मौसम यहाँ पे और दिवाली का फेस्टिवल है तो सभी को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की स के साथ आप एंजॉय कीजिए फेस्टिवल को देखिए स्क्रीन पे नजर आते हुए दर्शक पूरा लुप्त उठाते हुए इस मुकाबले का स्कोर अट्ठाईस दो विकेट के नुकसान पे दो दशमलव तीन ओवर का खेल वन अवदीप के पहले ओवर में बाईस जरूर आए मगर इस ओवर में एक सफलता आज को चलता किया और अब एक और मैन फॉर्म है पिछले मुकाबले में अरुण सिलान आ चुके हैं इस जोड़ी ने बहुत कुछ तार्य किया था अम्बेडकर किंग्स के लिए इस बार हाथों से खेला उसे पॉइंट के क्षेत्र में बाहर निकल चुके थे एसपी सिंह वो काफी तेज था वहां पे पटवारी का बढ़िया बैकअप वहां पे मैं के फील्डर का दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में अच्छी साझेदारी 100 से ऊपर की साझेदारी फुट पे कट किया प्रोटेक्शन है डीप में स्वीपर कवर सिंगल के साथ अकाउंट ओपन करेंगे हाँ अरुण सिलान इस अगर की अगर बात की जाए तो मात्र एक रन दिया अभी तक नवदीप ने बढ़िया वापसी है लेवर में जरूर उनपे प्रहार किए थे एसपी सिंह ने एक छक्का भी लगाया इस खर्चे थे बार स्टेप आउट करके उछाल कर खेलना चाहते थे पूरी तरीके से डॉट गेंद के साथ आवर की होती हुई समाप्ति तीन के बाद उनतीस दो विकेट के नुकसान पे उनतीस खान एक बार फिर अच्छा शॉट है मगर उतनी अच्छी फील्डिंग कवर के फील्डर की पहले ओवर में सोहेल खान ने छह रन दी एक सफलता अपने नाम की तो इस माहर को चलता किया और ये खराब शॉट सिलेक्शन एक बार फिर से उछाल कर खेलना चाहते थे पूरी तरीके से चूके गेंद में जा लगी तीसरा विकेट गिरता हुआ सोहेल तो खान ने यहां चलता किया पिछले मुकाबले में जरूर पचास किए ने मगर आज कुछ खास नहीं कर सके पवेल का रास्ता दिखाया निराश कदमों से डग की तरफ जाते हुए स्टंप टू के लाइन में ज्यादा गेंदबाजी करते हैं फिलहाल रन चेज में खराब शुरुआत है अम्बेडकर किंग्स की और उनतीस तीन विकेट गिर चुके हैं और अगर शुरुआत की बात की जाए तो पहले ओवर में बाईस रन आए थे उसके बाद जो दूसरा ओवर सोहेल खान लेके आए पे खेलना चाहते थे मुकेश माहर बोल्ड हुए उसके बाद अजय का खराब शॉट सिलेक्शन और अरुण का भी खराब शॉट सिलेक्शन क्योंकि तो इस तरीके की शॉट की कोई आवश्यकता थी नहीं क्योंकि तो अगर दूसरे ओवर में बीस से ऊपर रन आपने बना दिए हैं क्योंकि तो अगर आस्किंग रन रेट की बात की जाए तो वो दस साढ़े दस का चाहिए तो थोड़ा समय ले सकते थे आप क्रीज पे अगर समय व्यतीत करते और आपको पता है कि एस पी सिंह बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आओ तो उनको तो कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी स्कोर उन्नातीस तीन विकेट के नुकसान पे जोरदार अपील यहाँ अंगुली खड़ी करेंगे अंपायर बैक टू बैक सफलता मिलती हुई खान को उनतीस चार विकेट के नुकसान पे तीन दशमलव दो ओवर का खेल हुआ है सोहेल खान ने तीसरा विकेट अपने नाम करते हुए मात्र छः रन दिए हैं और हैट्रिक बॉल और हैट्रिक बॉल खेलने के लिए जाएंगे अब सुरेश कुमार रेस की अगर बात की जाए तो बेहतरीन ऑलराउंडर है वो आज जो विकेट जरूर चटकाया मगर अब जिस स्थिति में वो बल्लेबाजी करने आए हैं वो स्थिति उनके लिए अनुकूल है नहीं मगर आज तो मजबूरी हो गई है ऊपर के चार बल्लेबाज आउट हो चुके हैं अब थोड़ा संयम से खेलना पड़ेगा फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डीप्स को लेग सीमा रेखा पे इसके अलावा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पे ये दो फील्डर सर्किल से बाहर निकाला बार किया उन साइड में रन मिलेगा नहीं को किसी तरीके से बचाया यहाँ पे और इस बार इतमान के साथ खेला ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं सोहिल खान जानते हैं कि अगर थोड़ी सीओवर गेंदबाजी करेंगे वो सफलता मिलेगी गेंद में घुमाव भी होगा ये बढ़िया लाइन है एक और डॉट गेंदर की होती हुई समाप्ति विकेट मेडिन ऑवर है तो विकेट मिले और मेडिन अवर कमाल का अवर चार के बाद होना तीस चार विकेट के नुकसान पे चार ओवर की समाप्ति स्कोर उनतीस से चार विकेट के नुकसान पे है टूर्नामेंट में मैन ऑफ सीरीज रहते हैं एसपी सिंह तो बत्तीस इंच एलईडी उनको राजा रॉयल सावन इलेवन की तरफ से दी जाएगी तो प्रबल दावेदार हैं एसपी सिंह अगर अभी देख अभी तक देखा जाए तो और इस बार इनफील्ड को क्लियर किया वन गेंद के बाहर चार रन के लिए स्वागत तो किया यहाँ पे रिंकू का चार के साथ एसपी सिंह ने और चर्चा कर रहा था मैं एस पी सिंह कि पिछले मुकाबले में सो किए विकेट भी चटकाए आज पांच विकेट अपने नाम कर चुके हैं बीस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नौ गेंदों में इस बार बढ़िया इतमान के साथ ऑफ साइड में पुश करते ही सिंगल पूरा किया डायरेक्ट जरूर था मगर सुरक्षित क्रीज में एसपी पी सिंह चौंतीस से चार विकेट के नुकसान पे रन रेट की अगर बात की जाए तो सात रन भर थी के आसपास बार अच्छा शॉट फिल्डर थे वहां पे सिंगल के साथ स्कोर पैंतीस चार विकेट के नुकसान पे चहलकदमी करके ऑफ साइड भी खेलना चाहते थे ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट के एरिया में और शॉट खेलने के बाद जो प्रतिक्रिया थी एसपी सिंह की वो जानते थे कि यहाँ नहीं मारना चाहते थे वो एसपी सिंह की अगर बात की जाए तो इन साइड आउट बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हैं वो और यहाँ पे मात खाए तरीके से चूके हैं स्कोर पैंतीस चार विकेट के नुकसान पे पांचवा ओवर में पांच गेंदों में एक और बढ़िया गेंद है खाए इस बार भी एक और डोट गेंद है डॉट के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति पांच के बाद पैंतीस से चार विकेट के नुकसान पर स्कोर है छत्तीस चार विकेट के नुकसान पे खान एक बार फिर से सामने एसपी पी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद घुमा दिया उसे ऑन साइड की तरफ मिड ऑन पे गेंद को फील्ड करेंगे नवदीप सिंगल मिलेगा यहाँ और सैंतीस जा पहुंचा इस सिंगल के साथ किंग रन रेट अब साढ़े ग्यारह रन प्रति ओवर के हिसाब से चाहिए मुकाबला जीतने के लिए अब एडकर किंग्स को समस्या ये है अम्बेडकर किंग्स के लिए कि यहां से एक पार्टनरशिप चाहिए क्योंकि चोटी के चार बल्लेबाज बाहर जा चुके हैं एक पार्टनरशिप चाहिए और वो भी अच्छी रनगति के साथ और बहुत कुछ है निर्भर करेगा इससे जोड़ी पे यहां से अगर इन दोनों बल्लेबाजों में एक विकेट और चटका लेते हैं आलमगढ़ टाइगर्स के गेंदबाज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अम्बेडकर किंग्स के लिए इस मुकाबले में वापसी करना के सारे ऑन साइड की तरफ दिशा दिखाई उसे नवदीप गेंद को फील्ड करे थ्रो करे छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने और अड़तीस और आखिरी गेंद मान दिया उसे डोट के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति छह के बाद अड़तीस से चार विकेट के नुकसान पे पहला अनिवार्य पावर प्ले समाप्त हो चुका है स्कोर अड़तीस विकेट के नुकसान पे पूरी तरीके से ये पावर प्ले है आलमगढ टाइगर्स के गेंदबाजों के नाम चार सफलता उनकी टीम को मिल चुकी है तीन सफलता खान अपने नाम कर चुके हैं एक विकेट नवदीप को मिला है देखा जाए तो पहले ओवर में बाईस रन तो पिछले पांच ओवर में सोलह रन बने और है सबसे अच्छी बात ये रही कि चार विकेट भी चटकाने में कामयाब हैं यहां पे गुमा दिया उसे सीधा छह रन के लिए इस तरीके की अगर गेंदबाजी सुरेश के सामने करोगे तो वो ज्यादा देर तक रुकने वाले है नहीं और सबसे अच्छी बात ये रही है कि बिल्कुल जोर से मारने का प्रयास नहीं किया और इधर सीधे बल्ले से टाइम किया बस और अब पूरा डिस्टेंस मिला यहाँ पे छह रन स्कोर जा इस के साथ थोड़ी सी चर्चाएं करते हुए एसपी सिंह और इससे इस चीज का मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली ये साझेदारी है घुमाना चाहते थे पूरी तरीके से चूके विकेट कीपर के दस्तानों में इरादे तो, तो यहां पे जाहिर सुरेश ने कि अगर खराब गेंद होगी तो वो छोड़ने वाले है नहीं ये बढ़िया गेंद ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए और चौवालीस से चार विकेट के नुकसान पे है चूंकि जरूर विकेट कीपर है मगर स्टम से ज्यादा बाहर अंपायर ने में खोली वाइड का इशारा और एक रन बाई के रूप में भी तो दो अतिरिक्त रन मिले और चालीस चार विकेट के नुकसान पे एस पी सिंह और सुरेश की जोड़ी बीच मैदान में, में इस बार इनसाइड है क्या एक और दिशा इन गेदम से ज़्यादा बाहर है बाकी एस पी सिंह पूरी तरीके से जरूर थे उस गिन को खेलने के लिए मगर उनकी रडार से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी क्योंकि वो ममून है देखा गया एस पी सिंह को जब ऑप्टम ऑफटम से बाहर इस तरीके की डिलीवरी मिलती है तो वो उनका फेवरेट शॉट है वो मोमेंट ट्राई करते हैं यहाँ पे जोरदार अफील कोई नुकसान नहीं स्कोर सैतालीस से। लेते हुए एस पी सिंह बाईस पर बल्लेबाजी करे सत्रह गेंदों में आ रहे थोड़ा गहला देर हवा में जरूर रही सिंगल के साथ है ओवर की होती हुई समाप्ति सात के बाद है अड़तालीस से चार विकेट के नुकसान पे पटवारी और उनका आते ही स्वागत किया यहाँ पे अच्छी फील्डिंग डीप में निश्चित रूप से दो रन बचाए अपनी टीम के लिए दो रनों के साथ पचास पूरे होते हुए शॉट है इस बार भी अच्छा थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ वहाँ पे और गेंदी मारेगा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए वोकल थे वहाँ फील्डिंग का स्तर है थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो जरूर है आलमगढ़ टाइगर्स ने पकड़ बना रखी इस मुकाबले में अगर इस तरीके की अगर खराब फील्डिंग रही तो जो प्रेशर है बल्लेबाजों पे वो रिलीज होगा क्योंकि यहाँ पे एक रन आना चाहिए यहाँ पे चार मिले और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दो गेंदों में छह रन बन चुके हैं और अगर बची हुई चार गेंदों में चार सिंगल भी आते हैं बिना किसी जोखिम के तो निश्चित रूप से और यहाँ पे विकेट मिलता हुआ एस पी सिंह को बाहर जाना पड़ेगा जो विकेट गिरता हुआ और इस बार है बाहरी किनारा और चार रन गले स्पिन है, आते जाहिर कर दिए चार के साथ शुरुआत शॉर्ट है जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद गई नहीं मगर रन जितने चाहते थे उतने मिले स्कोर अट्ठावन है पांच विकेट के नुकसान पे एस पी सिंह बड़ा विकेट है पारी ने अपने नाम किया और इस बार स्लैश कर दिया मगर उतनी अच्छी फील्डिंग डीप में स्कोर उनसठ है पांच विकेट के नुकसान पे आठवां ओवर चलता हुआ रन रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ बारह से ऊपर जा चुका है तो दो, दोहरी समस्या यहाँ अंबेडकर किंग्स के लिए एक तो पांच विकेट गिर चुके, आधी टीम उनके डग में वर के होती हुई समाप्ति आठ के बाद साठ पांच विकेट के नुकसान पे यहाँ भी जोरदार है बाहर जाना पड़ेगा सुरेश को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे विकेट कीपर का बेहतरीन कैच थोड़ा समय जरूर लिया यहाँ पे कन्फर्म किया उसको लेग अंपायर से और कमाल का कैच काले आगे की तरफ डाइव करते हुए तो छठा विकेट है गिरता हुआ तू चल मैं आया वाली स्थिति पिछले ओवर में एसवीत सिंह आउट हुए यहाँ सुरेश दो बड़े विकेट है बहुत मुश्किल होता हुआ अम्बेडकर किंग्स के लिए इस मुकाबले में अब क्रीज पे नए बल्लेबाज है अनिकेत और साठ छ विकेट के नुकसान पे आस्किंग रन रेट है अब साढ़े बारह के करीब इकहत्तर गेंदों में एक सौ छियालीस रन चाहिए बहुत है मुश्किल है वो अम्बेडकर किंग्स के लिए छ विकेट गिर चुके हैं और जो मैं चर्चा कर रहा था कि एस पी सिंह और सुख की जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा पटवारी की गेंद पे एल डब्ल्यू हुए एस पी सिंह उसके बाद इस ओवर में पहली गेंद पे चलता किया सुरैस को यहाँ पे विकेट के पीछे अच्छा कैच कालेगा निकाला पुश किया बैक टू द बॉल और रन मिलेगा नहीं इनका दूसरा ओवर करते हुए एक सफलता मिल चुकी है राकेश को और इस बार ऑन साइड की तरफ पुश कर दिया उसे लंबी चेज वहां पे फील्डर की मगर एक ही रन मिलेगा इकसठ छह विकेट के नुकसान पे और इस बार गिली ने हल्के हाथों से खेला गिलेस्पी की अगर बात की जाए तो पांच पर बल्लेबाजी करें एकमात्र उम्मीद की किरण अंबेडकर किंग्स के लिए की अगर बात की जाए तो विस्फोटक बल्लेबाजा ज्यादा वो समय लेते नहीं है और यहाँ पे उछाला जरूर है रिंकू जाते हुए नीचे प्रयास जरूर किया नहीं रोक पाएंगे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर भी जाएगी चार रन मिले यहां पकड़ने के लिए प्रयास जरूर किया था रिंकू ने अपने बाई तरफ दौड़ लगाते हुए लौंगो पे खड़े थे तक पहुंच नहीं पाए चार मिले ओवर की होती हुई समाप्ति नौ के बाद पैंसठ छह विकेट के नुकसान पे। इनिंग का दसों ओवर पटवारी एक बार फिर से पिछले ओवर में एक बड़ा विकेट चटका चुके हैं वो एसपी सिंह का बैन इन फॉर्म को चलता किया एल के रूप में स्कोर है सिक्सटी सिक्स लॉस ऑफ सिक्स विकेट और अब दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहने वाला है Okay, अगर गिलिस्पी के गेंद रडार में मिलेगी तो निश्चित रूप से गेंद बाहर मिलेगी और यह तेज तरार है पटवारी की फरारी चमत् गेंद डाली है उन्होंने तेज तरार समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए गिलिस्पी आज ज्यादा हड़बड़ाहट में नजर नहीं आए अभी तक और इस बार भी बढ़िया ओंदेराइज है बढ़िया ड्राइव किया लॉन्ग पे रिंकू है वहां सिंगल मिलेगा और अवर की होती हुई समाप्ति दस के बाद सड़सठ है छह विकेट के नुकसान पे और ये कबाल का शॉट खान ने प्रयास भरपूर किया था मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए छ मिले यहाँ पे गिली को राकेश गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पे उनका स्वागत किया छे के साथ प्रयास के पूरे नंबर यहाँ पे सोहिल खान को बाई तरफ रनिंग की छलांग लगाई ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई वहां और इस बार ऑन साइड की तरफ हल्के हाथों से खेला गिलस्पी ने गेंद गई डीप्स को एल के क्षेत्र में फील्डर है वहाँ सिंगल पूरा करेंगे और जा पहुंचा चौहत्तर छः विकेट के नुकसान पे यानी कहते हैं कि अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे बिना खाता खोले बाहर गए आज उनको कुछ करना होगा इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए कुछ समझ नहीं पाए सतावन गेंदों में एक सौ बत्तीस रन चाहिए अंदर टबर तेरह से भी ऊपर एक से दो और अच्छे निकलते हैं यहाँ आलमगढ़ टाइगर से की तरफ से तो फिर और मुश्किल होता जाएगा इस बार घुमा दिया है। लंबी चेज वहां पे फील्डर के लिए मगर यहां नहीं रोक पाएंगे गेंद सी सीमा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए बहुमूल्य चार रन ये है अनिकेत और उनकी टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा अठहत्तर ये और बढ़िया घटा है अभी तक अंबेडकर किंग्स के लिए ग्यारह रन आ चुके हैं चार गेंदों में जी हाँ ये वापस डालनी पड़ेगी का इशारा स्कोर उन्यासी छह विकेट के नुकसान पे है जी हाँ एक और एक बार फिर से वाइड का इशारा और अस्सी इस खबर है की अगर बात की जाए तो तेरह रन आ चुके हैं चार गेंदों तो में दो और वाइड और इस बार है वो। कर दिया उसे पैड लाइन की गेंद को फील्डर डीप गेंद को फील्ड करे थ्रो करे तब तक दो रन पूरे किया आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छा ओवर घटित हुआ है पंद्रह रन आए अभी तक इस ओवर में स्कोर बयासी आखिरी गेंदर डॉट गेंद के साथ आवर के होती है इस समाप्ति ग्यारह के बाद बयासी छह विकेट के नुकसान पर ओवर है स्कोर बयासी छह विकेट के नुकसान पे चौपन गेंदों में एक सौ चौबीस रन चाहिए सोहिल खान ने अपने स्पेल का आखिरी ओवर है खान तो की अगर बात की जाए तो तीन दशमलव एक कवर है एक मैडिन नौ रन है तीन विकेट वो चटका चुके हैं स्पेलकाउन का आखिरी ओवर बयासी और, और इस बार के से खेला लेग के क्षेत्र में फील्डर थे दोनों ही बल्लेबाज और इक्की दुक्के रन से तो बात बनने वाली है नहीं अगर ये मुकाबला जीतना है अंबेडकर किंग्स को तो कुछ तो बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे और यहाँ पे प्रयास किया पूरी तरीके से चूके बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया स्टप भी खेर दिए सातवें विकेट का पतन सोहेल खान को मिलती हुई चौथी सफलता और तिरयासी सात विकेट के नुकसान पे बार वावर चलता हुआ खान को मिलने वाली चौथी सफलता किफायती गेंदबाजी आज एक मैडिन ओवर भी डाला जिसमें दो विकेट मिले दस रन चार सफलता स्पेल का चौथा और आखिरी ओवर करते हुए अभी भी दो गेंदे बाकी सिंगल यहां भी मिलेगा कन्नू को खाता खोलेगा इससे सिंगल के साथ है डॉट गेंद के साथ है ओवर की होती हुई समाप्ति चौरासी सात विकेट के नुकसान पर पटवारी और इस बार शॉट बहुत कड़क है अगर प्रोटेक्शन है डीप में पील की हल्की सी छियासी सात विकेट के नुकसान पे तेरवा ओवर चलता हुआ चार गेंदे हो चुकी है पटवारी को एक सफलता मिली बड़ा विकेट सिंह के रूप में और खूबसूरत शॉट निश्चित रूप से छह मिलेंगे यहां लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवाई यात्रा के लिए भेजा यहां कन्नू का ने काफी समय बाद एक बाउंड्री देखने को मिली जो बाउंड्री का सूखा था वो खत्म किया और इस बार इम्प्रोवाइज किया पेच लगा यहां पे चार भी मिले आखिरी दो गेंदों पे आए दस ओवर की होती हुई समाप्ति तेरह के बाद स्कोर नाइनटी सिक्स लॉस ऑफ सेवन विकेट रा ओवर की समाप्ति स्कोर छियानवे सात विकेट के नुकसान पे बयालीस गेंदों में एक सौ दस रन चाहिए गेंदबाज भी अब रिंकू उनके सामने पे के पैड से टकराई थी रन लेना चाहते थे अंतिम क्षण में जैसे देखा कि रिंकू बड़ी तेजी से आ रहे हैं बढ़ते हुए कदम वापस क्रीज में खींचे यहां पे ग्लेसपीन है और छियानवे सात विकेट के नुकसान पे काबले में पूरी तरीके से पकड़ बना रखी आलमगढ़ टाइगर्स ने थोड़ा सा शफल किया हल्के हाथों से खेला और रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज वो एक एक दो दो रन से बात बनने वाली है नहीं यहाँ पे बड़ी हिट्स खेलनी पड़ेगी अगर मुकाबला जीतना है तो वरना बहुत दूर होते जाएंगे इस मुकाबले में स्कोर सत्तानवे सात विकेट के नुकसान पे और इस बार गैप जी हाँ खूबसूरत प्लेसमेंट गेंद डी बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए पॉइंट का फील्डर जरूर है डाइव जरूर किया उनके बगल से गेंद सी बार रेखा के बाहर जाती हुई और इस चौके के साथ सौ रन पूरे होते हुए एक सौ एक सात विकेट के नुकसान पे एक सौ ग्यारह आठ विकेट के नुकसान पे अब ऐसा लग रहा है इस मुकाबले में मात्र औपचारिकता है बाकी आने वाला बड़ा मुकाबला किंग्स इलेवन सैदा वाली वर्सेज भगवती ब्लास्टर के मध्य दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है तो बड़ी टक्कर होगी सुरेंद्र क्रीज पे नए बल्लेबाज बाएं हाथ के नवदीप को दूसरी सफलता मिलती हुई गिली को चलता किया इस बार अच्छी गेंद सिंगल पूरा करेंगे अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा कर रही होगी बैट से या पैड से जी हाँ पैड से लेग बा का इशारा ओवर की होती हुई समाप्ति पंद्रह के बाद एक सौ बारह आठ विकेट के नुकसान पे बंटवारे अपने स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए सामने सुरेंदर अब इस मुकाबले में अंबेडकर किंग्स के लिए ज्यादा कुछ बचा है नहीं मात्र औपचारिकता है बाकी जितने रन बन जाए उनके लिए वो एक तोहफे के रूप में जब पहले गेंदबाजों ने निराश किया उसके बाद डेथ में बढ़िया गेंदबाजी रही अम्बेडकर किंग्स के गेंदबाजों की एसपी ने पांच विकेट चटकाए जिस तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद थी उस तरीके की बल्लेबाजी हुई नहीं और लगातार अंतराल पे विकेट गिरते गए मुकेश महाराज कुछ खास नहीं कर सके एक बार फिर से निराश किया आठ विकेट के नुकसान पे सोलवा ओवर चलता हुआ एक विकेट है चटका चुके हैं पटवारी बड़ा विकेट एसपी सिंह को चलता किया एल पी डब्ल्यू के रूप में अपील यहां भी इस बार इस अपील का ज्यादा कुछ है अंपायर प्रतीप शर्मा पर प्रभाव नहीं एक और डॉट गेंद है और की होती हुई समाप्ति सोलह के बाद एक सौ तेरह आठ विकेट के नुकसान पे

और उसके बाद अगर बात की जाए भगवती ने तिरानवे रन से आलमगढ़ टाइगर्स को जो कल मुकाबला हुआ था नाइट का उसमें हराया और इस बार ऊपरी किनारा लगा गेंद गई मैन सीमा रेखा के बाहर है चार बहुमूल्य रन और जुड़ेंगे खाते में और जितने रन बन जाए वो बस एक तोहफे के रूप में होंगे आप मैच तो जीत नहीं सकते हार का जो मार्जिन है वो कम कर सकते हैं भगवती की अगर बात की जाए जो पिछला मुकाबला दो सौ से बनाए थे दो से चेंज करने थे आलमगढ़ टाइगर्स के लिए इस बार उछाला जरूर है पटवारी नीचे है। और उनका एक साधारण सा प्रयास <laughs> कैच ड्रॉप किया यहां पे पटवारी ने और उनके चेहरे पे स्माइल जानते हैं मुकाबला जीत चुके हैं छोड़ने के बाद पूरा इंजॉय किया है। है। इस बार बढ़िया शॉट ज़रूर जाएंगे वहां, नहीं रोक पाएंगे चार रन और मिलेंगे यहाँ। खान की अगर बात की जाए तो चार विकेट चटका चुके हैं आज वो कमाल की गेंदबाजी इस मुकाबले में एसपी ने आज पंजा पूरा किया इस बार ऑन साइड की तरफ घुमा दिया लंबी चेज वहां पे फील्डर के लिए मगर एक ही रन मिलेगा कोर जा पहुंचा एक आठ विकेट के नुकसान पे सत्रवा ओवर चलता हुआ जो कल मुकाबला भगवती ने जीता था शानदार बल्लेबाजी रही थी वहां पे विजय और कक्कर की जोड़ी ने एक अच्छी पार्टनरशिप की नींव रखी और अंत में फिनिशिंग टच जो रोल था उसमें गौरव वर्मा और मैसी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम और दो दो छक्के जो मैसी ने लगाए वो सबसे लंबे छक्के इस टूर्नामेंट में अभी तक देखने को मिले अवर की समाप्ति सत्रह के बाद एक सौ तेईस आठ विकेट के नुकसान पे इसी बीच ऊपरी किनारा कमाल का शॉट छह मिलेंगे यहां पे डिस्टेंस पूरा क्लियर किया की शानदार बल्लेबाजी वो तैतीस पर जा पहुंचे सोलह गेंदों में ये तेजर गेंद ने बाद में खोली वाइड का इशारा स्कोर एक सौ पैंतीस भी, भी सोलह गेंदे बाकी और खूबसूरत के बाहर जाती हुई गेंद चार रन के लिए इस बार है थोड़ा सा शफल करके ऑप्टम गेंद से बाहर की तरफ आए इंतजार किया गेंद का और अब बस दिशा दिखाई उसे जानते थे कि फाइलेग का फील्डर सर्किल में डीप में कोई प्रोटेक्शन है नहीं चार रन जोड़े एक सौ उनचालीस इस ओवर की अगर बात की जाए तो सोलह रन आ चुके हैं इस तो बार भी अच्छा था मगर सीधा फील्डर के पास रन मिलेगा नहीं नवदीप की बात की जाए तो स्पेल का चौथा ओवर करते हुए सैंतालीस रन खर्चे हैं जरूर दो सफलता मिली है इस बार कारपेट के सारे बढ़िया ड्राइव स्वीपर कवर मौजूद है और बदलेंगे यहां स्कोर जा पहुंचा एक सौ चालीस स्पेल की आखिरी गेंद उनके सामने सुरेंदर हॉल में खदेड़ के निकाला डॉट के साथ आवर की समाप्ति अठारह के बाद एक सौ चालीस आठ विकेट के नुकसान पे अठारह ओवर की समाप्ति स्कोर एक सौ चालीस आठ विकेट के नुकसान पर मुकाबला अपने नाम कर लिया आलमगढ़ टाइगर्स ने मात्र औपचारिकताएं बाकी अब एडगर किंग्स ने आज टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया दो सौ छह रन चेज करने थे उनको बल्लेबाजी आज खराब रही बल्लेबाजों की अल्लाह दो सौ बारह रन बनाने के बाद भी ये किंग्स इलेवन वाली ने बैठकर किंग्स को हराया और इसके बाद बड़ा मुकाबला भगवती ब्लास्टर और किंग्स इलेवन वाली के बाद उ अच्छा था मगर सीधा फील्डर के पास पार्टनरशिप तीस रनों की हो चुकी है नौवे विकेट के लिए एक और विकेट है, मिलता हुआ यहाँ पे आउट के रूप में सुरेंदर पहुंच नहीं पाए एक सौ इकतालीस नवा विकेट गिर चुका है जोड़ी मैदान में लवली जा पहुंचे हैं बीच मैदान में टाइप पे करण लवप्रीत औख शॉट बढ़िया अगर एक रन से सतोष करना पड़ेगा पहले आखिरी गेंद रिंकू की सफलता मिली नहीं उनको 25 रन खर्चे हैं स्कोर एक सौ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और एक रन और इसी बीच पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने तो आने वाला मुकाबला भगवती ब्लास्टर और किंग्स इलेवन के मध्य है कुछ ही देर बाद होगा। इस मुकाबले के तुरंत बाद इस बार ऑन साइड की तरफ खिलाड़ किया तो से मिड विकेट पे फील्डर जरूर थे मगर गेंद को फील्ड करे थ्रो करे एक रन और मिलेगा सिंगल के साथ ओवर की होती हो समाप्ति 19 के बाद एक सौ चौवालीस नौ विकेट के नुकसान पे किंग्स इलेवन वाले के कप्तान है भगवती ब्लास्ट के कप्तान जयदेव शर्मा दोनों टॉस के लिए रेडी रहे क्योंकि ये मुकाबला तुरंत बाद टॉस होगा आखिरी ओवर राकेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे स्कोर एक सौ चौवालीस चालीस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कदनू गेंदों में चालीस रन सौ यह बढ़िया शॉट पिकअप चौट यहां ओवर के ऊपर से छह रन के लिए इस छक्के के साथ डेढ़ सौ रन पूरे होते हुए अम्बेडकर किंग्स के है ये जाते जाते इंटरटेनमेंट पूरा करते हुए दर्शकों का कन्नू और इस के साथ पचास पूरे करते हुए यहां पे कन्नू कमाल की बल्लेबाजी कन्नू की जर्सी नंबर अठारह में शानदार बल्लेबाजी पचास पूरे कर चुके हैं छह चौके तीन छक्के जी हाँ ये वापस डालनी पड़ेगी अब पायर प्रदीप शर्मा ने बाजू खोली दोनों कप्तान है जयदेव शर्मा और बिटू सखल बड़ा मुकाबला भगवती ब्लास्टर वर्सेस किंग्स इलेवन सहदावाली दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत के इस मुकाबले में उतरेंगे और इस बार बाई के रूप में चार मिलेंगे और एक सौ अट्ठावन शॉर्ट इस बार भी बढ़िया कन्नूकार छे यहां भी मिलेगी सीधा के साइड स्क्रीन पे खूब आज एंटरटेनमेंट किया दर्शकों का और इस सावर की अगर बात की जाए तो बीस रन आ चुके हैं पांच गेंदों में बीस रन है। स्कोर एक सौ चौसठ मुकाबला तो नहीं जीता यहां पे है अंबेडकर किंग्स ने मगर कन्नू ने दिल जीत लिया सबका गेंद के साथ यहाँ पे ओवर की होती हुई समाप्ति और ये मुकाबला जीत लिया यहाँ आलमगढ़ टाइगर्स ने 205 रन के जवाब में एक रन चौसठ रन नौ विकेट के नुकसान पे सोहिल खान मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले में 20 रन बनाए उन्होंने नौ गेंदों पे और चार सफलताएं चटकाई अपनी टीम के लिए सोहेल खान इस मुकाबले में मैन ऑफ दी मैच और भगवती वर्षिज किंग्स इलेवन शहदावाली के मध्य बड़ा मुकाबला टॉस होने जा रहा है मैन ऑफ मैच सोहेल खान आलमगढ़ टाइगर्स शानदार बल्लेबाजी आज एक छोटी पारी उपयोगी अगर सबसे अच्छी बात यह कि चार विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए सोहेल खान कम हेयर मैन ऑफ द मैच